मेरे पास भी तो आदमी है, नहीं तो मैं दूंगा। तो भाई पक्की सब है, ये सुन्नत सवाब है, सुन्नत तो सवाब है। मैं कितना तो गुजारिश कर रहा था, आज ये सुनने का सवाब मुझे मिल जाता, सवाब खत्म हो जाता। नहीं करता ना,
फिर नबी ने क्यों नहीं किया? कभी सोचा किसी ने क्यों नहीं किया नबी चाहे जितना बड़ा ऊपर चौड़ा क्यों नहीं किया? इसलिए क्या आज मैंने अल्लाह से मांग के भी दे दिया ना तो उम्मत में सुन्नत कायम हो जाएगी चहेते दे उम्मत में जैस देनी भी सुन्नत कायम हो जाएगी। लिहाजा मेरे महबूब मैं फातिमा को ऐसे ही पिता करूंगा लेकिन अपने चाहने वाले जो आने वाले गरीब होंगे फकीर होंगे उनको मुश्किलों में डाल नहीं चाहता। और इसी तरह की कोई तमन्ना नहीं की अपने बाबा से मुझे ये चाहिए ये चाहिए वो दे दीजिए ये दे दीजिए नहीं की ना है। अब सुनिएगा यहां से ये पैगाम में बहुत अच्छे से पहुंचाता लेकिन क्या करो ये पैगाम आपको पहुंचाता सुनिए से नबी करीम ने हजरत अली को बुलाया जब इश्ता होने लगा बुलाने के बाद क्या अली क्या सहरा से शादी का पैगाम लाए हो और गुलामान अली मुंह से ना था तो शादियों के लिए नबी ने पूछा अली से अली ने कहा कि हाँ सर हिला दिए यानी बुजुर्गों के सामने इतनी शर्त आया जरूरी है ये इस्लामी तरीका है। और फरमाए आज तो हमारी बच्चियां बच्चे मुझसे बोल रहे हैं और वो अपने अहलेबैत कह रहे हैं वालिदैन को जो है वो जबरदस्ती करी और एक जुमला वालिदैन के लिए भी कहूंगा अगर लड़का लड़की सही रिश्ता बता रही है तो वालिदैन को भी जिंदगी करनी चाहिए। बड़ी मुसीबतें आज ये दोनों छोटों में हमारे यहाँ है मुसीबतें या नहीं लड़का छोड़ के भाग गया पूरी फैमिली को बाद में शिकायत करते फिर रहे हैं भाई पहले सुन ले तो उसकी बात क्या बात है वाह वाह। अब भाई ने हौसला और तशरीह नहीं दिलाना फिर उनके भागने लगे अली से पूछा शादी कर पूछा मैं सर ना दिया जनाब जहर को बुलाया बेटी अली रिश्ता लेकर के आए ना तुम राजी हो इतनों ने पूछा अपनी बेटियों से बात करते होती हैं अच्छा हो पहले भी बात खत्म हो जाए बेटी से पूछो तो सही कभी हम तो मर्जी की जरूरत ही नहीं समझते उसके बिना की जरूरत ही नहीं समझते तस्बीह हिलाए की पता नहीं सही की हिला दे मौलाना इजाजत लेने के लिए बेटी की इजाजत मांगी नबी ने जहर की इजाजत दे दी इजाजत हो गई क्या है मेहरबानी में कहने लगे आप तो जानते हैं रसूलल्लाह मैं तही दस्त हूं तंग दस्त हूं मेरे पास तुम्हारे दुनिया में कुछ नहीं है। एक मर्तबा नबी करीम ने फरमाया नहीं अली तुम्हारे पास तीन चीजें हैं एक घोड़ा एक तलवार एक जिना मंदिर को पाली था कभी कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटना हमें सभी के मसाइल पर बात करनी है। पैदल चलते होते
कहा दूसरे तक का तुम्हारे मन जरूरी है लेकिन नहीं तुम्हारे लिए जीरा की जरूरत तुम्हारे लिए जीरा की जरूरत नहीं जबकि जीरा भी काम आती है जन्म में काम आती है मैं कहूंगी आप सुन रहा जीरा की तो जरूरी है फौजी के लिए क्योंकि जब तक भार का भार पड़ता है तो उछल सकता है तो शायद ना जीरा के वो मोहताज होते हैं जो मैदान से पुष्प दिखाना चाहते हैं जो मैदान में चमके रखते हैं उन्हें जीरा की अली ने जीरा बेच दी जरूरी थी जीरा बेच दी मेहनत ना कर दिया नबी ने अपनी जेब के पैसे से एक रुपए का एक दिरहम का भी सामान अपनी बेटी खातून जन्नत को जहेज के तौर पर दे दिया नहीं दिया उसी जीरा के पैसे से जहेज खरीदा और वही जहेज जनाब जरा को दे दिया कितना आसान बना गए नबी दीन को है? इतना आसान दिया कि शादी में हमारी शादियों को बना दिया आज बेटी के पैदा होने के बाद अब सुनता नजर आने लगता बेटे पे जश्न मनाता और ये वो मुआशरा है जो मुआशरा अपने आप को जनाब कहता अब सुनता हो जाता और अगर एक के बाद दूसरी बेटी हो गई तो लोग ताने देने लगते और अगर तीसरी होगी तो सास अम्मा कहती कि तूने तो बेटियों के लाइन लगा दी हमारे घर के अंदर तलाक के बेटा ना हुआ तलाक के बेटा ना हुआ यही है ना सुनते रहते नहीं तो सही तलाक मैं कहता हूँ मेडिकल साइंस ये कहती है कि इसमें औरत का कोई किरदार नहीं है कोई बहू को डांटने के बजाय अपने बेटे को डांटता आपके बेटे में जरा सीन नहीं है बहू को डांट रहे हो इसे निकालो घर से अगर इतनी बेटे की तो इसे घर से निकालो बहू को क्यों निकाल रहे हो निकाह तो हम भी पढ़ रहे हैं हमें तो ऐसे लगता सारी चीजें तो सही हैं बस खत्म
मेहर का मसला आएगा तो लड़की वाले लड़के वाले कहेंगे फातिमी रख लो, यही है ना, मैं फातिमी रख लो। सुन्नत ज़हरा है क्या यहाँ पे झगड़ा के मानने वाले नहीं है? सुन्नत अली है क्या मान के मानने वाले नहीं है? ये महफूज़ मैं कहता हूँ लड़की वालों को भी जवाब देना चाहिए कि जी तुम मेहर फातिमी दे दो और हमसे जैसे फातिमी ले लो। इमाम बारगाह के लिए क्या किया हमने? वक्त की प्रॉपर्टी के लिए क्या किया हमने?
कोई कदम उठाया और जो जितना जज्बाती उतना जज्बाती जवाब अगर वो 1400 साल पुराने वाला आ जाए तो तुम क्या करोगे? जिसने सहरा का हक प्रश्न किया था अगर वो आ जाए तुम्हारे सामने क्या करोगे? क्या जवाब क्या करोगे? खुदा के लिए इतना तो कम से कम ये कुछ पैगाम दे दो अपने अमल से कि हम ये कर देंगे। कहिए दावा तो नहीं है, कर भी लोगे अमल तो पता कैसे चलेगा कि अमल कर लोगे? पता जब चलेगा कि जब आज के फिटक लूटने वाले को सलाम ना हो। आज के फिटक लूटने वाले को सलाम ना करो। बहुत अच्छा। कौन है एक दावत कर दे, कसीदे पढ़ता हुआ नजर आता है इंसान ऐसे ही है ना। आइनमा भी तो सोच रहे हैं ये मेरे चाहने वालों में दूरी सियासत कहां से आ गई? दूरी सियासत कहां से आ गई? एक गासी को लानत करता एक को सलाम करता, ये कैसे होगा? अब बुलाते रहिए मौला आ जाइए मौला आ जाइए मौला आ जाइए। मौला मुंतजिर है पहले माशरे को ऐसा तो बना लो कि तुम्हारी नजरों में गासी गासी तो बन सके, तुम्हारी नजरों में कम से कम गासी गासी तो हो। अजीजान गिरामी जनाब सहरा की सीरत बहुत आसान है हर मुआशरे अली के चाहने वालों, अगर वो चाहें तो सहरा की सीरत को अपने घर में उतार लें और जब इस सहरा की सीरत आपके दरमियान आ जाएगी तो जन्नत की तमन्ना करने की जरूरत नहीं। पता नहीं पहला पुख चया जन्नत की तमन्ना की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जहां अली और सहरा का किरदार उसी जगह का नाम जन्नत है। उसी जगह का नाम जन्नत है। जन्नत कहते भी सही, जहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, जहाँ कोई टेंशन ना हो, जहाँ कोई परेशानी ना हो, जहाँ कोई सहमत ना हो, जहाँ साहब की कैफियत ना हो, उस जगह का नाम जन्नत। यही है जन्नत। और दो सख्ती से कहते हैं जहाँ झगड़े हो, फितने हो, लड़ाइयाँ हो, चुगलखोरी हो, गइबत हो, टेंशन हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, उस जगह का नाम है जहन्नम। यही है ना, मेरे घर में जन्नत है जहन्नम। मेरी गली में, मेरी गली में जन्नत है या जहन्नम? मेरे मोहल्ले में जन्नत है या जहन्नम? मेरे दोस्तों के साथ जन्नत है या जहन्नम? ये सवाल तो है या नहीं है? या नहीं है? तो जन्नत का मुतमन्नी बैठा जिस जिंदगी में जहन्नम लिए बैठा, उस जिंदगी में जन्नत चाहता और खुदा ने इसलिए भेजा था ये जिंदगी दी थी कि पहले इस जिंदगी के लिए छोटी सी जन्नत बना ले। जब तू छोटी सी जन्नत बना लेगा, रहने की आदत डाल लेगा तो जन्नत के आदाब अखलाक सीख के आएगा। जन्नत में रहने के आदाब अखलाक सीख के आएगा, उस कल्चर उस तवज्जो को समझ के आएगा तो उससे बेहतर जन्नत भी आगे दूंगा। अब ये जहन्नम का रहने वाला मुतमन्नी जन्नत का है, वो कहता है तुझे जन्नत में बुला के करूं क्या? तेरा खाना हजम नहीं होता जब तक हिम्मत नहीं कर ले, तेरे जो है वो कोई काम पूरा नहीं होता जब तक मोमिन के खिलाफ साजिश ना कर ले, तो जब तक जो है चैन से नहीं बैठता जब तक झूठ ना बोल ले, तुझे मजा ही नहीं आता जब तक किसी मोमिन से हसद ना करे, तो तू तो जहन्नम का रहने वाला जहन्नम में जिंदगी गुजारा, तुझे जन्नत बुला भी लिया तो यहाँ भी शिकायतें करेगा। एक ऐसी जन्नत है जहाँ झूठ बोलता नहीं कोई, जहाँ हिम्मत करता नहीं कोई, जहाँ हसद करता नहीं कोई। घर जन्नत बना या नहीं बना? बना कोई घर जन्नत या नहीं शुरू है जमीन पर?
बनाना कौन सा घर था? भाई कौन सा घर था जन्नत बन गया? जब बीवियां खराब निकल जाती तो नबी के घर में भी जन्नत नहीं बनती। भैया जब बीवियां जो है वो खराब हो जाए तो नबी के घर भी जन्नत नहीं होती। हाँ जहाँ कुरान पे मुकम्मल अमल होने लगे वहाँ दुनिया भर की परेशानियां हैं, असबाब जिंदगी नहीं है, आसाइश नहीं है और राहत का कोई सामान नहीं है, लेकिन इत्मीनान इतना है कि शायद जन्नत में भी ना हो। सहरा के घर में इत्मीनान इतना है, सुकून इतना है कि शायद जन्नत में भी हमें ना मिले। है इतना इतना नहीं, कभी बीवी की जबान पे शौहर की शिकायत नहीं आई, कभी शौहर ने बीवी का शिकवा नहीं किया, ये है जन्नत। तो हम तो अली वाले हैं, हमें भी जन्नत बनानी चाहिए, बनानी चाहिए, लेकिन करे कौन ये सब? ये सब करे कौन? मेरे जैसे खतीब साकिर तालिब इल्म आ जाते हैं, लोगों को जज्बाती बना के चले जाते हैं, सुन्नी शिया की बहसें छेड़ देते हैं मिंबरों पे आकर के, सुन्नी ये है, शिया ये है, सुन्नी ये है, शिया ये है, समझे नहीं हो सुन्नी कौन है, शिया कौन है, क्या बात है? किसी को पता भी है कि सुन्नी है कौन है, शिया है कौन? अभी तो कोई नहीं समझ में आया कि सुन्नी कौन है, शिया कौन है। आसिफ साहब जरा गौर से सुनिएगा, एक दो जुमले वक्त, सुन्नी कौन है, शिया कौन है, टोटल फर्क बता रहा हूं। सुन्नी वो है जो मोहब्बत अहले बैत को वाजिब समझे, थोड़ा सा गलत साथ दे रहा हूं। सुन्नी वो है हमारे अहले सुन्नत भाई वो है कि जो मोहब्बत अहले बैत को जरूरी समझे। चारों आइमाए फिक्र जो अहले सुन्नत के इमाम हैं, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद इब्ने हंबल, इमाम मालिक, सबका मुत्तफिक अलैह फैसला कि अगर जर्रा बराबर बुग्ज भी अहले बैत का किसी मुसलमान के दिल में है और वो सारी जिंदगी खाने काबा के अतराफ में जो है वो इबादतें करता रहे, तवाफ में खाने काबा करता रहे, तो वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। तो ऐसा गिरामी सुन्नी वो है जो मोहब्बत को वाजिब समझे लेकिन इताअत से रुखसत नहीं करे। तारी बात पहुंची या नहीं पहुंची? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सोच समझ के लगा नहीं है जो मोहब्बत को वाजिब समझे इताअत से रुकमदानी करे उसे कहते सुन्नी। और शिया कौन है? जो मोहब्बत को भी वाजिब समझे और इताअत और पैरवी को भी वाजिब समझे वो है शिया। तो भाई सुन्नियों को तो शिया होने की दावत बाद में देंगे, सुन्नियों को तो हम शिया होने की दावत बाद में देंगे, छोड़िए उस मसले को, याद कीजिए पहले अब हमारे जो सुन्नी हैं उन्हें तो शिया कर लो। अभी तो हमने सुन्नी लो सलाह पढ़ो हम लोग वाले, हम लोग क्योंकि किताब करते नहीं, खाली नाम लेते नारा लगाते, किताब नहीं करते, तो पहले ही नहीं कर लो ना। जब घर सही हो जाए तो भाग भी निकलेगा। अजीज आने के रामी बड़े मसाइल हैं, इसीलिए इमाम साजिद ने फरमाया था अपने आप को शिया ना कहना, अपने आप को शिया ना कहना, क्या कहे मौला? मुहिब कहना। मुहिब कहना क्यों? हमारे हकीकी शिया तो आदम हैं, नूह हैं, इब्राहिम हैं, मूसा हैं, ईसा हैं, सलमान हैं, अबू जर हैं, मिलाप हैं। इसका मतलब मेरा मौला को पैगाम दे रहा कि जब तुम शिया कहने लगना तो अपनी सीरत को सलमान फारसी की सीरत में ढाल लेना, अपने किरदार को अबू जर के किरदार में ढाल लेना, तब शिया कहना। और अगर वो किरदार ना हो तो मुहिब कहना, मुहिब कहना। लेकिन उसे भी इतने सलीके से करो जैसे इमाम जाफर सादिक ने किया।
جس طریقے سے آپ کو امام نے کیا کہتے ہیں عاشورا میں کہ جہاں تک قوم نالا نہیں ہوتی نام لینے سے وہاں تک نام لے لی اور فرما رہے جہاں تک کوئی معترض نہیں تھا وہاں تک نام لے لیے اور جہاں سے اعتراض کی گنجائش پیدا ہوئی وہیں سے اللہ ہم الان اقوال الظالمین میرے معروف پہلے ظالم پہ لعنت کر اور دوسرے ظالم پہ لعنت کر جس نے اس کی اتباع میں ظلم کیا تو تبرع پڑھنے کا نام نہیں ہے زبانوں سے دہرانے کا نام نہیں ہے تبرع تو عمل سے کرنے کا نام ہے کہ اگر اس نے ظلم کیا تو میں کسی پہ ظلم نہ کروں تب اس ظالم پہ لعنت کروں لیکن اگر ظلم پہ ظلم ظالم پہ لعنت بھی کرتا رہا اور ظلم بھی کرتا رہا تو لعنت کسی شخص اور شخصیت کے لیے نہیں ہے لعنت کس کردار پہ ہوتی ہے سلام بھی کردار پہ ہوتا ہے لہذا ظالم ہو کے لعنت کروں گا تو تھوڑی ادھر چلی جائے گی تھوڑی ادھر چلی جائے گی یہی ہوگا نا تھوڑی ادھر تھوڑی ادھر تو اپنے بھی تو کرو کیونکہ میں بھی ظالم ہوں بس عزیزو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو احتجاج کیا اور آپ نے جو گریے کا ایک سلسلہ ہے لوگ سمجھتے زہرا صرف بابا کی محبت میں گریا کر رہی تھی بابا کی جدائی میں گریا نہیں ایسا نہیں ہے بابا کی محبت تو تھی اس میں کسی میں کوئی شک نہیں ہے لیکن صرف باپ کی محبت میں گریا زہرا کے شانہ میں شک کیوں ہزاروں بیٹیوں کے والد جناب زہرا سے پہلے بھی گئے اور جناب زہرا کے بعد بھی گئے دنیا سے گئے نہیں گئے تو یہ بے چینی کیوں ہے باپ کی محبت بالکل اپنی جگہ صحیح ہے یہ صرف اور صرف محبت اپنی باپ کی بلکہ اسلام کو پامال ہوتے ہوئے دیکھیں اسلام کو مالی مفاد ہو جاتی اور شریعت کو کوئی چینج نہ کرتا غور فرمائیے گا شریعت کو چینج نہ کرتا تو نبی کی وفات کو زہرا اتنا گریہ نہ کرتی زہرا کا گریہ تو احتجاج ہے ظلم کے خلاف احتجاج ہے ظالموں کے خلاف زہرا گریہ کر کے بتا رہی ہے آج بابا کی وفات کی مصیبت کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی مصیبت تو زہرا پہ یہ آ پڑی کہ ہم نے قربانیاں دے کے اسلام کو بچایا تھا ہم نے قربانیاں دے کے شریعت کی حفاظت کی تھی ہم نے پتھر کھائے تھے ہم فاقوں میں رہے تھے لیکن آج وہی اسلام اسی سے دشمن جو ہے اسے مٹانے کی کوشش کر رہا اس لیے گریہ کر رہی تھی بار بار اس لیے ظالم کے چہرے سے نقاب پھینچ رہی تھی بار بار یہ ہے زہرا مجھے نہیں پتا